गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सिमरन मलिक फ्रॉम लेट्स विद देसी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई और बड़ी मज़ेदार वीडियो, जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला है कि इसको बनाओ। इतने सवाल आते हैं इस क्वेश्चन के लिए, जिसके लिए मैंने सोचा कि एक ब्लॉग पूरा बनना चाहिए, सो दैट इफ़ एनीबडी इज आस्किंग मी अगेन एंड अगेन ऑन द सेम क्वेश्चन, आई शुड हैव दैट वीडियो रिकॉर्डेड फॉर मी। और आप लोगों को पता है मैं आई हुई हूँ गोवा घूमने के लिए, इससे ज़्यादा परफेक्ट लोकेशन नहीं हो सकती थी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अभी मैं खड़ी हूँ अजरान बीच पे, लेकिन हम बात करेंगे मालदीव्स की। हम लोग पहुँच चुके हैं मालदीव्स, अभी नहीं हम गोवा में हैं, ठीक है। तो सवाल क्या था दोस्तों का, जो मेरे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी जो वीडियो को इतना पॉपुलर बनाया। वन वीडियो वॉज 6.5 मिलियन, अनदर वन विज ऑफ 4.5। आई एम सॉरी गाइस, ये थोड़ा तेज लहर थी, ओके। और जो सवाल था उन सब वीडियो को देखने के बाद, कंटिन्यूसली आई वॉज गेटिंग दैट DMs एंड मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीवेयर सेम क्वेश्चन, दैट वॉज वन, हाउ मच इन कॉस्टेड, व्हाट वॉज द रिजॉर्ट नेम, हाउ यू बुक्ड इट, कैसे जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, कैसे आप लोगों ने रिजॉर्ट चूज़ किया, उस रिजॉर्ट में क्या क्या अवेलेबल है नहीं है, फ़्लाइट से कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, क्या तरीका है जाने का, कितने का पड़ा। इन शॉर्ट क्वेश्चन ये था कि आप मालदीव का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो। तो मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए एक आइटनरी छोटा सा, जिसको आप अपने तरीके से बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। टिकट कैसे बुक करी, टिकट्स आप लोग कहीं से भी बुक कर सकते हो। हम लोग को 45,000 रुपये की टिकट्स पड़ी थी, हम लोग इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल किया था और 45,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को चार्ज किया था। तो आप अपनी टिकट्स किसी भी ट्रैवल एजेंट से, पेटीएम से, मेक माई ट्रिप से, मल्टीपल ऑप्शन था देयर, आप वहाँ से बुक कर सकते हो। सो टिकट तो बुक हो गई, अब वीज़ा कैसे मिलेगा मालदीव जाने के लिए। तो वीज़ा ऑन अराइवल है, कोई दिक्कत ज़्यादा आती नहीं है। वहाँ पर आप सीधा जाओ, ऑन अराइवल वाला फॉर्म भरो और आपको इन हैंड वीज़ा मिल जाता है ऑन योर पासपोर्ट। सो दिस इज़ वेरी ईजी प्रोसेस ऑफ मालदीव, स्पेशली वहाँ पे जाने का ईजिएस्ट वे यही है। नहीं तो आप किसी भी और इंटरनेशनल सिटी में ट्रैवल करते हो तो वीज़ा इज़ द बिगेस्ट स्ट्रगल फॉर एवरीबडी। सो मालदीव इज़ वन प्लेस, ईजी गोइंग, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ वॉट, हाउ वी बुक द रिजॉर्ट। रिजॉर्ट हम लोगों ने गोवा इबीगो से बुक किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। रिजॉर्ट का नाम था द स्टैंडर्ड रिजॉर्ट। अब उस रिजॉर्ट तक पहुंचने का भी एक टास्क था, टास्क ये था कि आप लोग वाले एयरपोर्ट से जाओगे सी पोर्ट से वाया बस, जो एयरपोर्ट वाले ही अरेंज करते हैं, तो आप लोग को वहाँ से उस बस में लेके जाया जाता है। उस सी पोर्ट से आपको मिलता है सी प्लेन, आप उस सी प्लेन से जा सकते हो बाय पेइंग 75,000 रुपये ऑफ अ टिकट। सी पोर्ट पे जाने के लिए दो लोगों का लगा 75,000 रुपये, तो 45,000 रुपये की फ़्लाइट की टिकट, 75,000 रुपये का सी प्लेन, टोटल हो गया 1,10,000 रुपये। और अभी आप पहुँचे भी नहीं हो, अब लग चुके हमारे 1,10,000 रुपये और अभी तक हम पहुँचे भी नहीं हैं मालदीव्स। हमें एयरपोर्ट से बस लेके गई थी सी पोर्ट तक, जो कि था ट्रांस मालदीवियन का सी पोर्ट। वहाँ से हम लोगों को मिला था अपना सी प्लेन। अब हम लोग सी प्लेन से चढ़ने के बाद उतरे थे एक ओशन में, जहाँ से हम लोगों को स्पीड बोट मिली थी, जो कि हमें लेके गई थी रिजॉर्ट में। अपने अपने रिजॉर्ट्स की अलग अलग सी बोट मिल जाती है, सॉरी स्पीड बोट मिल जाती है वहाँ से। तो स्पीड बोट पे बैठने के बाद हम लोगों को डायरेक्टली हम लोग पहुँचे थे रिजॉर्ट में। अब हम पहुँच चुके हैं रिजॉर्ट में, जिसका नाम था द स्टैंडर्ड, जो हम लोगों ने बुक किया था गोवा इबीगो से, जो हमने बुक किया था गोवा इबीगो से। और वो हमने 5 नाइट्स 6 डेज के लिए बुक किया था, जिसका खर्चा आया था 2,80,000 रुपये। हम लोगों ने ऑल इंक्लूसिव पैकेज ही लिया था, लेकिन उसमें अल्कोहल इंक्लूसिव नहीं था, क्योंकि वी आर नॉट दैट मच अल्कोहलिक पर्सन। बट अगर आप लोग को लेना है तो आप ऑल इंक्लूसिव भी ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगी, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑल इंक्लूसिव आप लोग इतना नहीं पी सकते हो। नॉर्मली जो लोग हैं वो इतना नहीं पीते हैं जितना उसमें लिखा होता है। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूसिव के साथ साथ लंच भी लिया था, जो कि आप लोग अवॉइड कर सकते हो। आप लोग लंच टाइम पर एक मील कोई भी ऑर्डर कर सकते हो, दैट इज़ सफिशेंट इनफ फॉर समबडी, क्योंकि एवरी टाइम तीनों टाइम भूखे खाना फॉर ए ह्यूमन बींग इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ज़्यादा बेटर है कि लंच टाइम अवॉइड करके आप ब्रेकफास्ट और डिनर ले लो, रादर देन टेकिंग लंच इंक्लूसिव, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है उस टाइम।
के अलावा जो मैंने गोवा वीवो से बुक किया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जिससे आप बुकिंग अपनी ले सकते हो और उससे आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। सो टोटल अभी लग चुका है 280,000, 45,000 और 75,000, तो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 3,80,000 रुपये के आसपास आप लोगों का खर्चा आ चुका है। अब क्या क्या इंक्लूसिव था उसमें मैं आपको वो बताती हूँ। हम लोगों ने चूज़ किया था लगून विला। लगून विला एक अलग साइड है और ओशन विला एक अलग साइड है। लगून विला से आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि पानी की लहरें जो है ना वो रात में ऊपर तक नहीं आती है। ओशन विला की तरफ लहरें थोड़ी ऊपर की तरफ आती है तो आप लोगों को रहने में दिक्कत हो सकती है। सो लगून विला इज़ बेस्ट फॉर एवरीबडी, विच इज़ माई सजेशन, बेस्ट इज़ योर कॉल। उसके अलावा हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री में जो मिला था हमारा हनीमून पैकेज था, तो उन लोगों ने हम लोगों से डेट पूछी थी कि शादी कब हुई है और प्रूफ दे आस्क फॉर अस, ऑल्दो मेहंदी और चूड़ा देख के वो लोग समझ जाते हैं। तो उन्होंने एक प्रॉपर डेट नाइट हम लोगों के लिए बुक करी थी फॉर लास्ट डे, दैट वाज अमेजिंग। उसमें कैंडल लाइट डिनर था विद ऑल द फूड एंड ड्रिंक्स अवेलेबल, सो दैट वाज फॉर अस। पूरा डेकोरेटिव था, हार्ट शेप्स एंड एवरीथिंग, ऑल लवी लवी थिंग्स दैट वाज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें वाटर स्पॉट्स कुछ इंक्लूसिव मिले थे, फिन्स रूम में ही मिल गए थे अगर आपको वाटर स्पॉट करना है तो, स्नॉकलिंग वाला जो मास्क होता है वो भी वहीं मिल गया था। स्कूबा का चार्जेस अलग था, वो इंक्लूसिव नहीं था। और क्याकिंग वॉज इंक्लूसिव, सर्फ बोर्ड भी इंक्लूसिव थी, सो दैट वॉज गुड पार्ट। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और वो जेट स्की भी इंक्लूसिव था, राइट आई रिमेम्बर। नहीं चार्जर मिलता आधा घंटे का दिया था, $80। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि जेट स्की वॉज इंक्लूसिव और नॉट, बट ही सेइंग दैट वॉज इंक्लूसिव, सो दैट वॉज इंक्लूसिव क्योंकि पे उसने दिया था बेचारे ने। उसके अलावा वॉट, हाँ हम लोगों को आने के लिए तो हम लोग अपना टेस्ट करा कर ही आए थे कोविड का, बट जाने के लिए भी कोविड का टेस्ट वॉज एडिशनल खर्चा फॉर अस, विच कॉस्टेड अस समवेयर अराउंड 10,000 rupees पर पर्सन। एंड वो वहीं पे एक क्लिनिक रूम बनाया हुआ है जो लोग वहीं पे टेस्ट करते हैं और आपको नेक्स्ट डे रिपोर्ट दे देते हैं। तो हम लोग 24 घंटे पहले जाके टेस्ट करा के आए थे सो दैट हमारी रिपोर्ट हमें टाइम पे मिल जाए जाने से पहले, तो वो हम लोगों ने करा लिया था। तो 380,000 प्लस 10,500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली टू दिस, तो ऑलमोस्ट 400,000 रुपये का खर्चा जो हम लोग को पड़ा था फॉर दिस हनीमून ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू मालदीव। सो 45,000 फ्लाइट की टिकट, देन उसके बाद 75,000 रुपये हमने सी प्लेन के लिए, फिर उसके बाद हमने रिजॉर्ट का दिया 280, टोटल हो गया 390। 390 के बाद दिया 10,000 अप्रॉक्सीमेटली पर पर्सन फॉर कोविड टेस्ट, तो 20,000 एडिशनल, सो 390 प्लस 20,000 अप्रॉक्सीमेटली 410,000 रुपीज़ का खर्चा अब तक आ चुका है। और हम लोगों ने रिजॉर्ट बहुत इन्जॉय किया। उसके अलावा वाटर स्पोर्ट जो हमने स्कूबा किया उसका खर्चा अलग था, जेट स्की का अलग था, और आई थिंक उसके अलावा हमने कोई स्पोर्ट ऐसा किया नहीं जो कि चार्जेबल था। रेस्ट वी इन्जॉय थी कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ। सो इसके अलावा जो एडिशनल हमारा बना था वो 40,000 रुपये एडिशनल और बना था कि स्कूबा किया था हमने और जेट स्की किया था। सो 410 प्लस 40, इट इज़ 450 अप्रॉक्सीमेटली टोटल ऑल इंक्लूसिव द होल पैकेज विच कॉस्टेड अस फ्रॉम दिल्ली टू मालदीव्स एंड ऑल एन्जॉयबल मोमेंट्स ऑफ हनीमून फॉर अस। तो इट वॉज़ वर्थ गोइंग। अगर आप लोग जाने का प्लान कर रहे हो तो जल्दी जाओ और होके आओ, वो बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है और बहुत ही प्यारा आइलैंड है जो हर एक को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपको पानी से प्यार है तो आप बिल्कुल जाओ, आपको बीच पसंद है तो बिल्कुल जाओ, आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, भगदड़ से दूर हट के किसी जगह पे जाना है तो दैट इज़ द प्लेस दैट यू कैन गो। एंड पार्टी से बचना है और अपना ये क्या बोलते हैं चैचे पैपे से दूर जाना है सुकून भरी ज़िंदगी में, तो दैट प्लेस यू आर लुकिंग फॉर, सो गो टू दैट लोकेशन, टैग मी, कॉमेंट मी व्हेनेवर यू गो टू दैट लोकेशन and you liked my video, that is why you went to Maldives or to that resort. Tag karna mat bhulna, comment karna mat bhulna is comment section mein is video ke, aur kuch aur puchna hai, kuch aur jagah nahi explore karne hai to wo bhi likhna mat bhulna. Till then stay tuned with my channel, mujhe message karte raho kya kya aap logo ko dekhna hai, main wahan jaati rahungi aap logo ke liye naye naye video lekar aati rahungi. Tab tak ke liye